बहुत प्रेरणादायी कहानी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, दो मित्र थे, एक का नाम था पीयूष, एक का नाम था मोहित। पीयूष मोटा था और मोहित पतला दुबला था, लेकिन दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार दोनों जंगल में सैर करने गए। काफी देर तक दोनों घूमते रहे। जंगल में घूमते घूमते अचानक से उन्हें भालू की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा भालू उनके ही तरफ बड़ा चला आ रहा था। पीयूष और मोहित डर गए। अब क्या करें, कैसे अपनी जान बचाएं? मोहित ने कहा, चलो झट से पेड़ पे चढ़ जाते हैं। लेकिन पीयूष मोटा था और वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता था। उसने मोहित से कहा, दोस्त मेरी पेड़ पे चढ़ने पे मदद कर दो, मैं ऐसे चढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन मोहित ने उसकी बात नहीं सुनी और झट से पेड़ पे चढ़ गया। अब पीयूष बेचारा क्या करता? भालू उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। उसने झट सी अपने आंखें बंद की और जमीन पे लेट गया। भालू उसके पास आया, उसके आसपास सूंघा, थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। जब भालू चला गया तो मोहित पेड़ से उतर के पीयूष के पास आया। उसने जाकर पूछा, दोस्त भालू तुम्हारे कान में आकर कुछ कह रहा था क्या? पीयूष ने कहा, हाँ दोस्त, भालू ने मुझसे कहा कि ऐसे स्वार्थी मित्रों से दूर रहो जो संकट के समय तुम्हें अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। और फिर उठकर अपने घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखेबाज मित्रों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।